फोर्टी टू सैलरी कितनी थी फोर फोर फाइव अच्छा जी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक सिक्योरिटीज कल हमने माइनस क्यों नहीं किया था क्योंकि okay, नॉर्मल रिजीम में से सेपरेट ब्लॉक का लॉस माइनस नहीं कर सकते अच्छा एक और इनकम कल हमने निकाली थी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ये किसी को याद हो डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो कितना गेन आ रहा था नहीं यार वन मिलियन नहीं आ रहा था मेरे भाई वन मिलियन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था थ्री बाई फोर से. सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड आ रहा था अच्छा जी अब आप अगर सवाल की तरफ मूव करें ये वर्किंग वन थी ये वर्किंग टू थी और ये वर्किंग फ्री थी अच्छा भाई अब हम देखते हैं हमारे सवाल में आगे इनकम कौन सी आ रही है तो मोहतरम इसने बाहर के मुल्क के अंदर जाके एक इनकम कमाई है जो अच्छा आपका टेस्ट का सिलेबस होगा चैप्टर सेवन और फाइव ओके सेवन सैलरी वाले ना चैप्टर सेवन और फाइव मैं मुकम्मल बात कर दी है मैंने चैप्टर सेवन और चैप्टर फाइव इसमें कोई झोल नहीं है बाद में अच्छा जी आ, ये ये मैं बता दूंगा कल आपको पॉइंट इन जून 2020 जून के आखिरी महीना यानी साल का आखिरी महीना यार मैं पे सो इंडिपेंडेंटली डेवेलप्ड लर्निंग कोर्सेस उसने क्या डेवलप किए लर्निंग कोर्सेस इंडिपेंडेंटली डेवलप लर्निंग कोर्सेज फॉर सेल थ्रू वेब बेस्ड मार्केट प्लेस यानी इंटरनेट के जरिए उसने वो लर्निंग कोर्सेज अब आगे चलाने हैं मैनेज अ कंपनी वो वेब बेस्ड मार्केट प्लेस कंपनी मैनेज कर रही है सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान तो बाहर की कंपनी असल में इंटरनेट होस्टिंग कर रही होती हैं यानी आपको एक जगह प्रोवाइड कर रही होती है जहाँ जाके आप लेक्चर जो है वो यहाँ से रिकॉर्ड करा के बाहर ऑनलाइन डिलीवर करें ऑन पच्चीस जून दो हजार पंद्रह पच्चीस जून दो हजार बीस आगे आज ना फर्स्ट रो में और पच्चीस जून दो हजार बीस ही रिसीव्ड यू एस डॉलर फोर टू सिक्स जीरो रिसिव लिखा हुआ है

वॉज डिडक्टेड फ्राम द रिसट एज पर इनकम टैक्स लॉज ऑफ अ फॉरन कंट्री मोहतरम इसको डिविडें आपने नहीं कह देना जिस तरह डिविडेंट पर टैक्स कटता है उसी तरह इस पर भी टैक्स कटा है लेकिन आपको पता है ये फॉरन इनकम है और फॉरन इनकम पे जो टैक्स कटता है उसका टैक्स माफ़ होता है तो इसका इन शब्स क्रेडिट निकालेंगे इसका हम टैक्स क्रेडिट निकालेंगे तो ये फ़ॉरन इनकम है जिसका हमने टैक्स क्रेडिट निकालना है और इस पर हमने सगीर को क्या माफ़ करना है मोहतरम टैक्स फिर माफ़ करना है लेकिन यह सवाल में ना डेटे में कुछ चीजें मिसिंग है फॉरन इनकम जो बाहर के मुल्क में कमाई इसको आप बिजनेस भी कह सकते हैं इसे आप अदर सोर्स भी कह सकते हैं बस इंडिपेंडेंट जो चीज बंदा कर रहा हो ना उसको सैलरी नहीं कहना कभी इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ये काम खुद चला रहे या कहीं नौकर है ये काम खुद चला रहे तो इसको आप सैलरी में बस नहीं डालना अब आके आपकी मर्जी है बिजनेस में डाल दें अदर सोर्स में डालें मेरा निकाल आई आपको इतना पनिश करेगा इस बात पर तो मैं इसको चले बिजनेस में डालता हूँ इंडिपेंडेंटली इसने एक नया काम शुरू किया तो सवाल ये है कि जब कभी भी इनकम को इनकम में डालना है तो कभी भी नेट नहीं डालना हमेशा ग्रॉस डालना है लास्ट क्वेश्चन में हमने डिविडेंड को ना असल में इनकम में डालना नहीं था डायरेक्ट उस पर टैक्स निकाला था क्योंकि वो फाइनल टैक्स इनकम थी लेकिन ये तो बाहर के मुल्क में आप एक काम शुरू कर दिया आपने ये तो आपकी नॉर्मल इनकम है फाइनल टैक्स इनकम तो एक ही पड़ी हुई है डिविडेंड तो ये आपकी नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल इनकम को नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं लेकिन मोहतरम मैंने इनकम में आया नहीं डालना होता मैंने इनकम में कमाया डालना होता है और ये आया है मुझे क्या चाहिए कमाया अच्छा अब पहले जो है वो मैं इसको पाक रुपीज में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसे ग्रॉस करके भी पाक रुपीज में कन्वर्ट किया जा सकता है पहले भी पाक रुपीज में कन्वर्ट किया जा सकता है आपकी मर्जी है जैसे मर्जी करें मैं इसको क्या कर रहा हूँ पहले वर्किंग नंबर फोर बनेगी ना हमारी मैं पहले इसे पाक रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ लेकिन याद रखिएगा ये नेट है ये क्या है नेट है अच्छा जी नेट अमाउंट है तो मुझे बता दें कितनी है जी फोर टू सिक्स जीरो फोर टू सिक्स जीरो मतलब रेट लेना होता है जिसने ट्रांजेक्शन हुई है ट्रांजेक्शन किसने हुई है पच्चीस जून को तीस जून का रेट है रेलिवेंट है एवरेज रेट तो पता नहीं इसने अपनी तरफ से दिया है अपने इसको तो छोड़े तो फोर टू सिक्स जीरो डिवाइड बाई सो डिड कहां जाएगा मल्टीप्लाई बाय वन सिक्सटी एट जी सेवन वन सिक्स एट जीरो नो वट इज दिस कट कटा के पाक रुपीज में पहले क्या निकला था कट कटा के फॉरन करेंसी में फोर टू सिक्स जीरो और कट कटा के पाक रुपीज में ठीक है जी अब मुझे आप निकलवा दें ग्रॉस अब मुझे आप निकलवा दें ग्रॉस अब सेवन वन फाइव सिक्स एट जीरो को पकड़े ये पाक रुपीज में नाइन्टी टू परसेंट है ये फॉरेन करेंसी में 92 परसेंट है एग्रीड और नॉट अगर मैं फॉरेन करेंसी को मान लू कि 92 टू परसेंट है क्योंकि टैक्स कट चुका है और रिसीव लिखा हुआ साथ अगर फॉरेन करेंसी को 92 मान तो 92 वाली फॉरेन करेंसी को यूज करके 92 वाले बाग रुपीज निकलेंगे ना तो इसका मतलब है ये सौ परसेंट है या टैक्स कटने के बाद है टैक्स कटने के बाद है अब इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं मोहतरम किसमें ग्रॉस में uh,

ये कितने परसेंट पे पड़ी है ये नेट पे पड़ी है हमें क्या हमें क्या मिल गई ग्रॉस अब इन दोनों वो करके देख लें या फिर इस पे एट परसेंट लगाए इस पे खुदा के लिए 8 ना लगा दीजिएगा या फिर इस पे एट परसेंट लगाए क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट पे अब आ गई है ना तो टैक्स दोनों दु, दु, तरह की जवाब आ रहा है देखे किसी ने एक ही ट्रिपल सेवन वन नाइन थ्री इन टू एट परसेंट सिक्स डबल टू चले जी, अब जो फिगर्स हमारी यूज होनी है ना यार वो सिर्फ दो होनी है ये जो कट कटा के इनकम है ना इसका कुछ करना नहीं होता ये सिर्फ हमें देता है ताकि हम कट कटा के ग्रॉस पे चले जाएं, कट कटा के वाली फिगर से ग्रॉस पे चले जाएं. इसका हमने और कुछ नहीं करना होता अब ना ये इनकम और ये टैक्स और ये दोनों फ़िगर्स आप कैसी बन गई हैं ये दोनों का में आपको याद होगा कि हमने पेज नंबर सेवेंटी फोर के ऊपर सवाल किया था कैपिटल गेंसोपिया वाला और हमने कहा था एथोपिया में इसने बिजनेस इनकम कमाई है पांच लाख और एथोपिया के बिजनेस इनकम का टैक्स बन रहे चालीस हजार तो पांच लाख पे चालीस हजार टैक्स था और आपको याद है किसी को फिर हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए बाहर की इनकम को ऐड किया था और जब टैक्स निकल आया था तो फिर टैक्स माफ किया था टैक्स माफ किया था तो बिल्कुल वही काम करना है सोफी सदा हमने तो क्योंकि ये वाला सवाल तो हमने क्लास में ऐसा किया हुआ तो यही काम करना है हमने किधर है चले जी अब उठाना क्या है हंड्रेड परसेंट वाली इनकम और उसका टैक्स लेकिन फिलहाल मुझे टैक्स भी नहीं चाहिए वर्किंग फोर है हमारी फिलहाल मुझे टैक्स भी नहीं चाहिए द रीजन इसके टैक्स तब मुझे चाहिए जब मैंने टैक्स माफ करना होगा अभी मैंने माफ नहीं करना तो फिलहाल इनकम उठा ले ट्रिपल सेवन नाइन थ्री इनकम फ्रॉम बिजनेस अपने समझने के लिए आगे लिख लेते हैं फॉरन सोर्स इनकम जी कितनी आ गई ट्रिपल सेवन नाइन वन थ्री क्या हाँ आ, वो अगर दो दो शराइत पड़ी थी अगर उन दोनों में वो ना फॉल करता फिर ऐड करते अगर दो बातें पड़ी थी ना दो सूरतों में माफ़ होती है अगर वो सूरतें पूरी ना होती फिर ऐड करते हाँ जी अच्छा भाई इसके बाद सगीर ने जक़ात दी है अच्छा भाई इधर आना यार इधर देखो यार असल में ना वो भाई फुल टाइम टीचर अनाउंस नहीं बोल जाना नॉन प्रॉफिट इदारे में काम करा है फुल टाइम टीचर है अच्छा अच्छा यार एक बात मैंने आपसे करनी थी ये सारा डाटा जो है ना यहाँ से यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये इनकम फ्रॉम सैलरी का है लेकिन इस सैलरी के डाटे में ये जो डाटा था ना शेयर बेचे थे ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक वाला था अच्छा अच्छा वो वर्किंग थ्री ये थी जो कल मैंने की थी जो आज हमने सुबह आई ऐड की थी सेवन फिफ्टी थाउजेंड याद है वो ये वाला था याद आ रहा है सेवन फिफ्टी थाउजेंड ये वाला था कैमरा उधर लेके जाना कोने तक लेके जाना वो जो सेवन फिफ्टी थाउजेंड आपको व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहा है ना वो ये वाला सेवन फिफ्टी है ले आओ इधर कैमरा अच्छा ये सैलरी हो गई अच्छा आगे मैंने आपको कहा था प्लानिंग किया करें ये क्या है ये क्या है इनकम फ्रॉम लिखे ना साथ साथ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन लेकिन ये इमोवेबल प्रॉपर्टी का बेचना है तो ये कौन सी इनकम है नॉर्मल रजीम इनकम है सेपरेट ब्लॉक है सेपरेट ब्लॉक <coughs> कभी इधर पर कभी दर, कभी इनके दर कभी. आ, हाँ मैं ये कह रहा था कि कभी आप इधर क्लास ले लिया करें कभी घर में ले लिया करें मतलब समझ गए होंगे आप अच्छा जी तो ये पहले दो पॉइंट हो गए तो कोई मसला नहीं चला उधर भी इसी तरह टीचर नजर आएगा तो आपने बस अपने आप को समझाना है और रूटीन बनानी है पॉइंट थ्री पॉइंट थ्री मोहतरम क्या है इनकम फ्राम बिजनेस इनकम फ्राम बिजनेस नॉर्मल रजीम वाली फॉरन सोर्स इनकम फॉरन सोर्स अच्छा और ये डिडक्टेबल अलाउंस है ये क्या है डिडक्टेबल अलाउंस क्लियर अच्छा अब एक बात याद रखनी है यार ये जो सेपरेट ब्लॉक इनकम्स है ना इन पर टैक्स कैलकुलेट करना है अभी हमने क्या करना है टैक्स कैलकुलेट करना है और यार इनकम फ्रॉम बिजनेस सिर्फ ये फॉरेन सोर्स नहीं है जमा इसके साथ हमने लिख दिया फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी देना है इसके साथ हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी देना है अच्छा अब ना प्लान कर लें नो के फॉर्मेट में आके यार हमारी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं और किधर है चैप्टर ट्वेंटी अब न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आके ज़रा प्लान कर लेते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं फॉर्मेट खुद ही बता दिया करेगा एक चीज़ मैंने फॉर्मेट में नहीं डाली हुई क्योंकि वो इतनी कॉमन नहीं है वो पचास सवाल हैं चैप्टर नाइनटीन के तो पचास में से एक सवाल में आई हुई है जो हम कर रहे हैं फुल टाइम टीचर अनाउंस वो मैंने फॉर्मेट में जानबूझ के नहीं डाला हुआ कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है अच्छा अच्छा मोहतरम ये हेड्स ऑफ इनकम तक हम पहुँच गए हैं बल्कि ये देखें हमने सेपरेट ब्लॉक इनकम्स भी डालनी हैं अब सिर्फ हमने थोड़ी देर में क्या करना है सेपरेट लॉक इनकम निकालनी है अब जो जो काम मैंने करना है मैं वो आपके सामने हाईलाइट कर रहा कराऊं सिक्योरिटीज का गेन हमें निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो लॉस आया था और वो ऑलरेडी जीरो के साथ पड़ा हुआ है तो हमने निकालना होगा इमोबल प्रॉपर्टी का गेन इसके बाद हमने माइनस करनी होगी जक़ात इंटरेस्ट ऑन हाउस में हमारे सवाल में नहीं है एजुकेशन एक्सपेंसेस हमारे सवाल में नहीं है इसके बाद हमारी क्या निकल आएगी इसके बाद हम जाएंगे और जाके क्या निकालेंगे टैक्स लाइबिलिटी अब हमने माइनस क्या करना है जी फॉरन टैक्स क्रेडिट 61 वन टू सिक्सटी का टैक्स रेट नहीं है सेपरेट ब्लॉक में हमने सिक्योरिटीज़ का टैक्स ऐड नहीं करना क्योंकि सिक्योरिटीज़ में क्या आया लॉस आया लेकिन जब सेपरेट ब्लॉक में इमोबल प्रॉपर्टी का टैक्स आएगा वो हम ऐड करेंगे डिविडेंड के ऊपर जो है वो हमारा टैक्स बनता नहीं तो ना ये लाइन आएगी और ना ये लाइन आएगी एम्प्लॉयर ने हमारी सैलरी के ऊपर टैक्स काटा हुआ है इसलिए ये वाली लाइन जरूर आएगी इससे नीचे वाली लाइन मैंने आपको पढ़ाई नहीं हुई और इन द एंड कोई टैक्स रेट डिस्से हुआ नहीं तो इसलिए मोहतरम एक दो तीन चार पाँच छः छः सात लाइनों में इंशाल्लाह हमारा सवाल खत्म होने वाला है अच्छा अगली बात एक बीच में और चीज आ गई फुल टाइम टीचर अलाउंस अब ये जो फुल टाइम टीचर अलाउंस है ना इसकी तरतीब के बारे में ना लॉ में खामोशी है लॉ में खामोशी है आ, इसकी तरतीब लॉ ने जरूर बताई हुई है ऑर्डर ऑर्डर जिसको हमने पढ़ा था टरतीब ऑफ टैक्स क्रेडिट फॉरेन टैक्स क्रेडिट पहले देन है इसको प्रायोरिटी देनी है नंबर 1 और फिर क्या माइनस करना है 61 टू 63 का टैक्स अब फुल टाइम टीचर अलाउंस के बारे में दो फिर कुछ लोग कहते हैं फुल टाइम टीचर अलाउंस आप यहाँ माइनस कर लें कुछ कहते हैं फुल टाइम टीचर अलाउंस ऊपर ही माइनस कर लें बहरहाल आईके ने फुल टाइम टीचर अलाउंस ऊपर माइनस किया है अब आपको मेरे से यह साल पूछने की जरूरत है कि फॉरन टैक्स रेट आपने कहा था पहले माइनस कर लिया करें और भाई एक अजीब सा टैक्स क्रेडिट है जो अगर आप नीचे भी माइनस कर दें तो आईके आपके नंबर नहीं काटेगा क्योंकि लॉ मेकर ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ तो बहरहाल फॉरन टैक्स रेट से ऊपर मैं माइनस कर दिया करूँगा बोले बोलो फुल टाइम बहरहाल इसे टेक्स लाइबिलिटी में जरूर फर्क पड़ेगा अगर आप इधर माइनस करें तो जवाब हो रहा है इधर माइनस करें तो जवाब हो रहा है बहरहाल लॉ में हमेशा लूप होल्स रहते हैं तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं ओके कम बैक ऑन चैप्टर नाइन अब ये जो टू की स्पीड पर सुन रहे होते हैं ना इनको ऐसी बातें समझ नहीं आती है जीप से पता नहीं क्या प्रोग्राम रखा है उन्होंने टू की स्पीड पे हाथों भी टू की स्पीड पे कर लो छह साल और तीन साल में कर लो ओके नॉर्मल तरीके से चीजों को लेकर चले हफड़ा दफड़ा डाला तो अपने आपको ओके आ जाए निकल के फॉर्मेट पर आज नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि मैं देख के आ गया हूँ क्या क्या चीजें हैं अब ये मेरी आ जाएगी जी टोटल इनकम फिगर जल्दी निकलवा देना टाइम नहीं है यार जल्दी जल्दी ये ये मेरी आगे इसमें इसमें से से कर दें मोहतरम मोहतरम बताओ अच्छा आप करेंगे और डिस्पोजल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी तो सिक्योरिटीज तो मोहतरम इस सवाल के अंदर है ही नहीं चलो है तो लॉस आ गया छोड़ने पर जाए आ जाए फर्स्ट लेस बोले 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 इनकम फ्रॉम सेपरेट ब्लॉक कौन सी डिस्पोजल ऑफ इस सेवन लैख पे वही रेट है या सेपरेट रेट है सेपरेट रेट है four, eight, three, nine, अभी भी ये टोटल इनकम आई है अभी भी टैक्सेबल नहीं आई एक मिनट एक दफा बोलो आप बोलो अच्छा मोत्रम इसके बाद हम माइनस करेंगे जकत इसलिए मैंने मेडिकल के फॉर्मेट से घुमा के ले आया हूँ आपको एक दफा जी जकत ये ये ना ना सवाल में में सबसे लाइन दी है अच्छा यार आप समझिएगा आधा नुमेरिकल सॉल्व हो गया है नोमेरिकल का फेस आधा सॉल्व हो गया अब हम किस तरह मूव करने लगे है? अब हम चैप्टर फोर पे जाएंगे और चैप्टर फोर पे जाके टैक्स निकालेंगे इसका अगर पिछहत्तर परसेंट आप लेंगे तो सैलरी से बहुत ज़्यादा आएगी इसलिए ये कौन सा टेबल लगेगा सैलरी वाला टेबल लगेगा या कोई दूसरा सैलरी वाला सैलरी ज़्यादा आएगी ना इससे बहुत ज़्यादा तो इसलिए आप सैलरी वाला टेबल लगवा दें यार छोड़ो पर टेबल मुझे बताओ क्या टैक्स निकाला हुआ है आप लोगों ने निकाल लिया होगा कुछ लोगों ने कौन सा टेबल लगा के टेबल टू लगा के, टू लगा के। कितना थ्री फोर एट कोई और कंफर्म कर दे हाथ खड़ा कर दे थ्री फोर एट थ्री जीरो सेवन ओके टेबल टू लगा के टैक्स निकलाया चलिए आप लोग भी यहाँ तक नोट कर लें मैं आपको आधा मिनट दे रहा हूँ हां हां क्या इसमें क्या घर में भी आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ और क्या करना है जान लेने इसकी ओके यार अब ये जो है ना टैक्स क्रेडिट फुल टाइम टीचर अलाउंस मैंने कहा था ये जब टैक्स क्रेडिट आया करेगा ना आपको टेबल पे दो दफा जाना पड़ेगा आपको टेबल में और इस सैलरी पे असल में हमने कितने परसेंट टैक्स माफ करना है पच्चीस फीसद किसी को याद हो वो फुल टाइम टीचर अलाउंस वाला पेज तो पेज नंबर बता दें ऐसी किसी को बोला फुल टाइम टीचर अलाउंस हमने किस चैप्टर में कहा पढ़ा था चैप्टर सिक्स में पढ़ा था किस पेज पे सत्तर पे से पेज नंबर सेवेंटी के ऊपर हमने फुल टाइम टीचर अलाउंस पढ़ा हुआ है

इस पे आपने निकाल लिया टैक्स ये तो नॉर्मल वाला टैक्स है ना हमारा ये निकालते हुए आपने टेबल वन और टू के बारे में जरूर सोचना है वन और टू में से मैंने टू डिसाइड किया लेकिन इस पे लगाना ही टेबल टू है हम बोल रहे हो पहले बोलना सी अच्छा जी टेबल टू की तरह जी ओ बोलो ओके ओके गाइस क्या हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी जी मोहतरम कहाँ है पेज नंबर थर्टी फोर इनकम सैलरी से कहाँ से आगे पुराना हो गया ना मिलता नहीं है ड्रामे का रहा है थोड़ा सा मस्ती करें हमारे साथ पेज नंबर सिक्स सीरियल नंबर सैलरी देखें सैलरी कहाँ आ रही है ना ओ थ्री नहीं देखना सफे वो लेफ्ट तो फोर मिलियन देखें कहाँ आ रहा है सिक्स सीरियल में आ रहा है सीरियल में आ रहा है मैंने किसे आके देखा सिक्स सीरियल में 4045 20% off. 20% ऑफ फाइव नहीं फाइव और फाइव है फाइव और फाइव क्या आया फोर सेवन नाइन ट्रिपल जीरो इसका कितने फीसद टैक्स माफ करना है पच्चीस फीसद इसका पच्चीस फीसद टैक्स माफ करना है ये पच्चीस फीसद आपको टेबल से नहीं मिलेगा ये पच्चीस फीसद आपको टैक्स राइट्स के चैप्टर के पेज नंबर सेवेंटी से मिलेगा ये पच्चीस फीसद आपको टेबल से नहीं मिलेगा टेबल ने अपना काम यहां तक दिखाया है आगे अपना काम कुर्सियां दिखाएंगी सॉरी जी डबल ओके गाइस मोहतरम निकल के फॉर्मेट पर हम नजर मार के आए थे दो क्राइट देने होते हैं फॉरन टेक्स क्राइट और सिक्सटी वन टू सिक्सटी थ्री फॉरन ही है टू का नहीं है तो इसी पाइज अब आप चल जाए फॉरन कंट्री की बातें होने लगी हैं लेस पहले इसमें बता दें सब टोटल डबल फाइव सेवन अब अगेन यार इसमें थोड़ा सा एक तलाफे आया है कि फॉरेन टैक्स रेट देते हुए आपने इस फिगर को यूज़ करना है या इस फिगर को यूज़ करना है मैं इस फिगर को यूज़ कर रहा हूँ लॉ ने कोई गाइडेंस नहीं दी हुई लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट जहाँ लॉ में गाइडेंस ना हो दो बच्चे डिफरेंट सोल्यूशन कराएँ ऑनर हो जाता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट यार फॉरेन टैक्स रेट किसी को याद है लोअर ऑफ हमें वर्किंग नहीं कर रहा एक सफ़ा आप लोगों ने रखा हुआ था ताकि पता चले एक सफ़े भी आप कैसे पूरा करते हैं अच्छा वर्किंग में जाने की जरूरत नहीं है इधर ही कहते हैं ऑफ़ है, फ़ॉरेन टैक्स और पाकिस्तान टैक्स किसी को याद है फ़ॉरेन टैक्स कितना था किसी माई के लाल को, किसी वालदा के रेट को याद है टैक्स कितना था फ़ॉरेन टैक्स डबल टू डबल थ्री वर्किंग फोर्स आया था सिक्स डबल टू डबल थ्री वर्किंग फोर्स आया था सिक्स डबल टू डबल थ्री और 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 टू टू एट डबल फाइव सेवन अगर ये मेरा टैक्स है मेरी सारी इनकम्स पे थ्री थ्री सेवन सिक्स जीरो थ्री नाइन अगर ये टैक्स मेरी सारी इनकम्स पे है तो बताओ मेरी इस इनकमी पे कितना बनता है ट्रिपल सेवन नाइन वन थ्री जी फाइव टू डबल सिक्स फोर जी सोल्यूशन में कह रहे है तो नहीं ये बड़ी फिक्र चली ना घर में ट्राई नहीं कितने लोगों को पता है यही वाली फिगर चल रही है इस में अच्छा सिक्स डबल टू डबल थ्री पता चले वो फिगर गलत निकली सारे आगे गलत हो रहा है सिक्स डबल टू डबल थ्री पेपर में उसके मार्क्स नहीं करते जहाँ ही गलती हुई है उसके मार्क्स कर देते सिक्स डबल टू डबल थ्री अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूँ लोअर ओ सॉरी लोअर फाइव टू डबल सिक्स फोर ओ सिक्स डबल टू डबल थ्री लोर फाइव टू अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ कि अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं कि घर में ना 19 का जब भी उन्होंने मेरिकल दिया जाए घर में ना सिर्फ यहाँ तक मेरिकल करते हैं बस अब उनको जब, जब जहां तक पहुँच जाते हैं ना तो उनको सौ फीसद यकीन होता है कि ये फिगर मेरी गलत है सौ फीसद यकीन होता है उनको ये फगर मेरी गलत है क्योंकि ऊपर कोई ना कोई गलती होगी होगी मैं इंसान हूँ तो जानवर तो बन गए ना क्लास में तो इंसान है तो इंसान है तो, इंसान है तो गलती होगी तो फिर ऊपर से नजर मार आप कहते हैं कोई ना कोई गलती तो होगी होगी अब इस जगह फौरन चले जाते हैं सोल्यूशन खोलने सोलूशन खोल के पहले ये वाली गलती मैं अपनी सही करते हैं ये वाली गलती जब अपनी सही कर लेते हैं तो फिर आप कहते हैं आगे क्या करना आगे देख लेता हूँ तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स इससे आगे देखते हैं तो फिर आई भी उनको देखता है फिर वो देखना माइंड करते हैं अच्छा जी तो ये हमारा नॉर्मल टैक्स रिजीम फारिग हो गया उसमें से हमने टैक्स टुक्स माफ कर दिए ठीक है कितने लोगों ने इसे ऐसा ही किया था तो एक दो हाथ खड़ा करके बता दें मान गए एक भाई मान गए अच्छा बाकी भी थोड़ा थोड़ा मानेंगे ज़रा प्रेशर डालें तो अब ये नेट टैक्स आ गया नेट ऑफ वाट नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स नेट टैक्स लेकिन यार ये नॉर्मल रिजीम का ही है ये ग्रॉस टैक्स था नॉर्मल रिजीम का ये टैक्स रेट माफ करके आ गया कितना 175, 893. सेवन 893. 893. अब टैक्स किसका ऐड करना है सेपरेट ब्लॉक का और फाइनल रिजीम का सेपरेट ब्लॉक हमारी इनकम कौन सी है मोहतरम ये सेवन फिफ्टी थाउजेंड वाली इसका हमने टैक्स ऐड करना है एड टैक्स ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पर जो टैक्स बनता है अब ना देखना पड़ेगा वर्किंग को जी वर्किंग में कितनी इनकम आई थी हमारी सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब हम जाएंगे कैपिटल गेन के चैप्टर पे और कैपिटल गेन के चैप्टर में अब हमने ऊपर वाला डब्बा नहीं देखना ये ऊपर वाला डब्बा ना गेन के लिए था वो कल हमने यूज कर लिया था अब नीचे वाला डब्बा देखने सेवन फिफ्टी थाउजेंड पांच मिलियन से कम है देख लें ऊपर आए हुए हैं तो और देख लें ऊपर आए हुए हैं तो सेवन फिफ्टी थाउजेंड पांच मिलियन से कितने परसेंट लगाएंगे साढ़े तीन तीन साढ़े तीन सेपरेट oh, oh. ब्लॉक तो का टैक्सिगल के फॉर्मेट में मैंने येलो में चीजें हाईलाइट की थी वो जरा नजर मारा है नोमरिगल के फॉर्मेट में और किधर है हाँ जी, दे दिया, और दे दिया Of property का कर लिया, एक फिगर माइनस करें सवाल खत्म जो सैलरी पे आपका टैक्स कट चुका है यकीन नहीं आता ना चलते चलते सवाल खत्म हो गया आ गया यकीन ओके ठीक है जी कौन सा चैप्टर है नाइनटीन जल्दी से मूव कराया करें आप लोग ये हाजिर बाश रहे हैं कहाँ से आए होते हैं कहाँ जाना होता है जल्दी बताया करें बता दें जी पॉइंट फोर का ड्यूरिंग दाख हज़ार टोटल हाँ कर देना बेहतर है इसका नाम है टोटल टैक्स लाइबिलिटी पेट्रोल पंप बंद है टोटल का टोटल टैक्स उसने खुलाओ टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया जी टू टू जीरो टू वन फोर थ्री आगे क्या करें जी लेस टैक्स डिडक्टेड बोलो डिडक्टेड बाय हमारा से ज्यादा एम्प्लॉयर जी बोले वन लैख यही जो बाहर के मुल्क में टैक्स कटा होता है ना ये कहीं एंड पे माइनस नहीं होता इसका टैक्स माफ होता है ये ना का बाहर के मुल्क में भी सर टैक्स कटा हुआ था वो भी माइनस करें वो 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 इसका वो पूरा माइनस नहीं होता वो दो फिगर्स में से लोअर करके माइनस होता है जी फोर टू वन फोर थ्री आधा घंटा तो यही सवाल खा गया हमारा हमारी जिंदगी के कीमती लम्हात रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट कंप्यूट इनकम एंड नेट एक्स पेबल रिफंडेबल टू सगीर, pay, सगीर. आप बता दें अच्छा ये क्या लिखा होता है यार शो ऑल रेलिवेंट एग्जिमशन एक्सक्लूजन एंड डिसउंसेस जिन चीजों को भी आप एक्सक्लूड कर रहे हो उन्हें शो करो कल आपको याद है हमने कहा था इंश्योरेंस प्रीमियम सॉरी वो क्या कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन माफ है लेकिन इसे तो डैश डाल के हम शो करते हैं बोनस मिल जाता है अगले साल का हम हाँ उसे डैश डाल के शो करते हैं कि अगले साल बोनस मिला है तो हमारे साल का नहीं है तो वो जो फिगर्स को डैश डैश डाल के शो कर रहे होते हैं ना वो डैश इसी फिक्रे की पैदावार है आप सवाल नहीं क्या मांगा वैसे फिलहाल टैक्सेबल नेट टैक्स पेबल टू आ रहा है या रिफंडेबल फ्रॉम गवर्नमेंट आ रहा है तो यहाँ लिखते हैं बोला लिखा हुआ है नेट टैक्स पेबल बाय सगीर या टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट जो भी आपने लिखना है यहां लिखना है चले रहने दे भाई तो मोहतरम ये क्या था 90 और ये क्या था 100 और ये क्या था ये हमने किसमें कन्वर्ट किया है परसेंटेज में हमें कैसे पता चला था ये 92 है रिसीव रिसीव क्या होता है कट क्या फिक्र आपने याद किया रिसीव का मतलब क्या होता है कट कटा के अच्छा मोहतरम अगर कभी कोई नोट्स आपसे शेयर करने हुए वैसे नोट्स तो नहीं शेयर करने होते लेकिन टेस्ट के क्वेश्चन पेपर और सोलूशन शेयर करने के लिए ना ऑनलाइन वालों ऑनलाइन वाले भी नोट कर लें अगर कभी पोर्टल के एक्सेस उनके पास ना हो ये एक वेबसाइट है इसका यूज़र नेम नोट कर लें और पासवर्ड तो यहाँ पे आपके टेस्ट अभी तक जितने हो चुके हैं ना उनका क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है और उनके सोलूशन भी अवेलेबल है और अगले टेस्टों के सोलूशन और क्वेश्चन भी इंशाल्लाह अवेलेबल होते रहेंगे लेकिन इसमें कुछ एरर ना कीजिएगा टी एक्स इसमें कैपिटल लेटर कोई नहीं है इसमें टी कैपिटल लेटर है ये ए एक्स है ये डैश है और ये वन टू थ्री फोर है ओके okay. मुझे कभी भी कोई खोल के चेक कर ले है था चल रही हैं चीजें अच्छा वापस आ जाए बिजनेस के चैप्टर पर टेस्ट का सिलेबस मैंने ऑनलाइन में शायद बिजनेस के पहले चार लेक्चर भी बता दिए थे बिजनेस के पहले चार लेक्चर वेक्चर कोई नहीं होंगे बस चैप्टर सेवन और फाइव है टेस्ट में सेवन का नो आ जाएगा सैलरी का और चैप्टर फाइव है डेफिनेशन का उसमें से कुछ आ जाएगा अच्छा यार वो किधर है बिजनेस का चक्कर ओए होए ओए होए आज सेक्शन 21 शुरू होने अल्लाह हु अकबर आ जा आ जा आ जा जल्दी आ जिथे दी पे पेज 127 पे आ जा जल्दी डिडक्शंस वो खर्चे जो माइनस करने की इजाजत नहीं है कौन सा चैप्टर है बिजनेस का इधर नजर आ रहा है एट किसी को अच्छा ये कॉन्सेप्ट है आ, किस पेज के ऊपर है हम वन ट्वेंटी सेवन अच्छा आपने ना बड़ी गौर से ये बात सुननी है हमारे टैक्सेस जो है ना टैक्सेस वो दो किस्म के होते हैं टैक्सेस कितने किस्म के होते हैं ये कौन पे करता है जरा सफे के टॉप पे देखें कौन पे करता है बिजनेसमैन बिजनेसमैन कौन होता है जो कारोबार चला रहा हो तो राइज वाले अगर कारोबार कर रहे हैं या फिलिप्स वाले या डॉलेंस वाले अगर कारोबार चला रहे हैं या पीटीसीएल बहुत बड़ा सेटअप जहन में ले आए कारोबार चला रहे हैं तो ये लोग अपने बिजनेसिस में कोई एक टैक्स पे करते होंगे या कई टैक्स पे करते होंगे चलो डॉलेंस वालों की बात करते हैं डॉलेंस वाले अपने बिजनेस प्रॉफिट्स पे कौन सा टैक्स पे करते हैं किसी को पता हो बता दें इस टैक्स का नाम और किसी को पता है ये जो बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर आप टैक्स पे करते हैं इसके रेट कहाँ दिए हुए हैं पेज नंबर कौन सा टेबल वन और टू किस पेज पे किसी को याद हो थर्टी थ्री और थर्टी तो पेज थर्टी थ्री और थर्टी फोर पे जो टेबल दिया हुआ है वो टेबल किस टैक्स के रेट्स हैं ये इधर ऊपर आई मैं तो वो किस टैक्स के रेट्स हैं अच्छा क्या पाकिस्तान में इनकम टैक्स ही है या और टैक्सेस भी हैं और टैक्सेस भी हैं यार एक टैक्स होते पर कौन सा टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स असल में अगर डॉलेंस वाले किसी देहात के इलाके में जाके फैक्ट्री खोले ना तो वहां पे टैक्स नहीं है चाहे आप दस कनाल के ले लें चाहे पंद्रह कनाल के ले लें बल्कि हुकूमत खुश होती है ठीक है यार देहात में जाके आपने को काम शुरू किया लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में ना शहर में आके कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें तो हुकूमत वहाँ कहती है दस मरले की है आपने फैक्ट्री लगाई तो ज़्यादा टैक्स नहीं बनता कम दे दो कनाल की है तो और ज़्यादा दे दो दो कनाल की है तो और ज़्यादा दे दो तो ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर मोहतरम इसका ताल्लुक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के चैप्टर में जो घर किराए पे देके हम टैक्स देते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है इसका और इसको मिक्स नहीं करना ये लव इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है ये लव्स है सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब समझने से पहले अगर हम अगला टैक्स पढ़ लें तो शायद बात समझ आ जाए टोकन टैक्स अब अगर डॉलर्स वाले हैं उनके सेल्स मैनेजर के पास भी गाड़ी है प्रोडक्शन मैनेजर के पास भी गाड़ी है बल्कि आपने तो सैली का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो एम्प्लॉयर अक्सर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी हुई है तो एम्प्लॉयर ने जब एम्प्लॉय को गाड़ी दी है तो एम्प्लॉयर गाड़ी का टोकन टैक्स भरेगा यानी साल के एंड पे आपको पता होगा एक साइज के दफ्तर में जाके गाड़ी को हर साल टोकन रिन्यू करवाना पड़ता है तो वो भी गाड़ी की इंजन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कोई दो हजार सीसी गाड़ी उसका टोकन टैक्स ज्यादा होगा कोई पंद्रह सौ सीसी गाड़ी है उसका टोकन टैक्स कम होगा तो जिस तरह बड़ी गाड़ी पे ज्यादा टोकन टैक्स छोटी गाड़ी पे कम टोकन टैक्स इसी तरह डॉलेंस वाले अगर दो तीन जगह शहर में प्रॉपर्टीज ले लें जहां फैक्ट्रीज खोल लें तो फिर डॉलेंस वालों को भी उन प्रॉपर्टीज पे क्या देना पड़ेगा वह कराए पेनी दीवी किसी को खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं है ये क्या टैक्स है प्रॉपर्टी के मरलों पर टैक्स

नंबर वन कौन सा टैक्स नंबर टू दूसरा ना ना, ना 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 दूसरे की मिसालें नहीं याद करनी आपने बस एक लफ्स याद कर लेने आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उधर देखे ना येलो वाला क्या क्या याद कर लेना इनकम टैक्स इसके अलावा सारे टैक्सेस इधर आ जाएंगे जो मर्जी आप बिजनेस में पे करें अब खुशी की नहीं सेल्स टैक्स का जरा अलग ही मैकेनिज्म है वो हमने अलग से पढ़ना है अब इन दोनों के बारे में रूल क्या है यार ये नॉट अलाउड है ये बिजनेस का खर्चा माइनस नहीं हो सकता और ये सारे ये सारे टैक्सेस अलाउड माइनस करने की इजाजत है तो ये आप नोट कर लें किस पेज पे आप इस वक्त 127 पे, और बहुत अच्छी बात है आप में से कोई पांच छह हज रात मैंने नोट किए हैं, जल्दी आना शुरू हो गए कीप इट अब भाई आपका अपना ही फायदा है तो घरों में जाके आपने मशवरा किया अपनी तरतीब बनाई है कोई किधर आया था हो जो फिर रात को ही ना के सो गए थे कुछ कुछ हिम्मत की है इन्होंने कोई ना कोई अरेंजमेंट किया नाश्ता भी अपने साथ ही रख के सो गए थे बड़ा ये कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे इस तरह के, भाई ऐसे नहीं काम चलेगा ओके, okay. तो सिर्फ कौन सा टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है इनकम टैक्स और यार में इनकम टैक्स माइनस करने की कोई तुक भी नहीं बनती ना जरा देखें इधर एक मिनट देखें इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहा हूं, देखें, निकाल रहा हूं। देखें, देखें, देखें तुक देखें तुक और तुक और इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाल रहा हूं मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूं आपको पता ना ये रिडक्शन लॉन्सेज होते हैं मैं सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करूँ इट मेक सेंस

टोकन टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स अब लॉजिक समझा के जरा आकर बता दें इनकम टैक्स माइनस करने की इजाजत क्यों नहीं है अभी तो निकला ही नहीं यार अभी तो इसमें कैपिटल गेन ऐड होना है तो साइड होना है फिर कहीं जाके इनकम टैक्स निकलना है तो इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा बाकी सारे टैक्सेस बिजनेस के खर्चे हैं लॉजिक डिस्कस करना वैसे मकसद नहीं था मतलब था शायद चले सेक्शन इक्कीस डिडक्शंस वो खर्चे जो आप माइनस नहीं कर सकते फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड अलाउडर इनकम फ्रॉम बिजनेस एनी सेस एनी रेट और एनी टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन पेड बाय द

वो वो टैक्स जो बिजनेस पे पे किया जाता है कई क्लासों से हम निकाल रहे हैं जो तो अमेरिका शुरू करते थे बिजनेस कैपिटल के अंदर सोर्स निकल के नीचे टैक्स निकाल लेते थे वो टैक्स जो बिजनेस पे पे किया जाता है उस टैक्स का नाम क्या है इनकम टैक्स यार अल्लाह इसका भला करे इस सारे की जगह इसको लिखना चाहिए था इनकम टैक्स बस वो काफी था लेकिन शायद ये ना इनकम टैक्स की डेफिनेशन देने लग गया इनकम नहीं, नहीं, ना ये तो, ये तो नाम है इट इज अ टैक्स पेड बाय दिजनेस मैन इन पाकिस्तान दट इज पेड ऑन द प्रोफिट ऑफ बिजनेस हमने कहा को खुल के बात करो कहते हैं असल में ना ये कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स आपको पता है टेबल मान में आप जाते

हमने कहा वो इनकम टैक्स होता है कहते हैं हाँ हाँ वो आप माइनस नहीं कर सकते तो हमने कहा इसके अलावा बाकी टैक्सेस गाड़ियों पे भी पे करते हैं हम प्रॉपर्टीज पे भी पे करते हैं हम प्रोफेशनल टैक्स वो वो कर लो माइनस वो बिजनेस के प्रॉफिट्स में नहीं दिए जाते क्योंकि बिजनेस में लॉस भी आ जाए तो गाड़ी का टोकन लगवाना पड़ेगा बिजनेस में लॉस भी आ जाए तो प्रॉपर्टी अगर शहर में खरीद ली तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा वो बिजनेस के प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट नहीं होता ये टोकन टैक्सेस गाड़ियों के बिजनेस के प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट नहीं होते गाड़ी का टोकन लगवाना लगवाही लगवाने हर साल और जो टैक्स बिजनेस के प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट होता है लकीली उस टैक्स का नाम क्या है इनकम टैक्स वो टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं।, नहीं है नीचे डब्बे वाली बहस आपने अभी नहीं पढ़नी बस जो मैंने आपको डायग्राम बना दी इज ऑफ अच्छा यार ये जो फॉरन कंट्री में टैक्स पे होता है ये भी आप मुझे बता दें जो फॉरन कंट्री में टैक्स पे होता है इसकी भी आप बहस कर लें ये जो लकीली खुला हुआ है शुक्र है आज ये जो फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया आपने आपने ये ट्रिपल सेवन नाइन वन थ्री में से एज अ डिडक्शन माइनस किया है या इस पर टैक्स माफ किया है अगर ये डिडक्शन होता ना तो फिर यहां माइनस ना होता फिर आप लिखते बाहर के मुल्क में कमाया इतना टैक्स पे किया इतना और फिर दोबारा यहां माइनस ना हो सकता लेकिन इसे कहते हैं डिडक्शन और इसे कहते हैं टैक्स क्रेडिट तो बता दें बाहर के मुल्क में भी अगर इनकम टैक्स पे कराएं एक तो पाकिस्तान का इनकम टैक्स पढ़ लिया ना मैंने अब कौन सा टैक्स उसने लिखा हुआ है फॉरेन अगर बाहर के मुल्क में भी कौन सा टैक्स पे कराएं इनकम टैक्स ये तो शुक्र है।, है, है तो वो भी खर्चा नहीं है अगर वो खर्चा नहीं है तो फिर इसी फिगर को आपको बड़ा अच्छा समझ आया होगा डिडक्शन वजह से यही फिगर इधर आ जाएगी फिर ये कहा माइनस करें हाँ इंडोज इसका टैक्स माफ कर दो अलग बात है लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं है यार डिडक्शन नहीं है डिडक्टेबल नहीं है टैक्स क्रेडिट ये तो हम फिलहाल क्या कह रहे हैं कि बाहर के मुल्क में जो टैक्स पे किया उसका कोई फायदा ही नहीं है नहीं मिलेगा लेकिन पहले ही माइनस हो जाए तो पाकिस्तान में भी इनकम टैक्स पे कर दें या बाहर के मुल्क में भी इनकम टैक्स पे कर दें दोनों सूरतों में ये क्या नहीं है बिजनेस का खर्चा नहीं है बिजनेस बाद में नीचे जाके माइनस आपने करना है वो आपकी मर्जी यार ये बी काट दें बी सी ए फाइनल के लेवल की चीज़ें बी काट दें हाँ जी हाँ जी पूरा अच्छा यार आ, ये ना मज़ा नहीं आता ये सी जो है ना सी और अगले सफ़े पे सी ए ये थोड़ा सा जरा फ्रेश माइंड मांगते हैं तो ये इंशाल्लाह ना हम कल की क्लास में आते ही करेंगे तो भी जो आसान आसान से हैं डिडक्शन नॉट अलाउड वो मैं करा दूँ आपको पेज नंबर 129 पे आ जाए बस एक सफा आ गया आज इंटरटेनमेंट तो इंटरटेनमेंट मोहरम खर्चा अलाउड है हमने समझा था नॉट अलाउड की लिस्ट में आ रहा है लेकिन वो कहते हैं इंटरटेनमेंट बिजनेस नॉर्मल खर्चा माइनस करने की ज़्यादा है लेकिन अगर आप लिमिट्स क्रॉस कर जाए ना तो फिर नॉट अलाउड है इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द लिमिट्स जो कहते हैं मैं बता दूंगी लिमिट्स भी कहते हैं मैं प्रेस्क्राइब करूँगा अब बच्चे ये समझते हैं कि ये नॉट अलाउड इंटरटेनमेंट है ये नॉट अलाउड इंटरटेनमेंट नहीं है ये

इंकरडेट ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस क्या मतलब नई ब्रांच नई ब्रांच के दफ्तर ने खोल ली तो वो बारे वगैरह लगा दिए खाना खिला दिया खर्चा माइनस करने की इजाजत है नेक्स्ट इंकरडेट मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एजेंट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज की मीटिंग होती है ओ भाई आ, उठ जाए आए हुए हैं तो डायरेक्टर्स की एम्प्लॉयज की मीटिंग होती है उस पर जो खर्चे होते हैं ये अलाउड है नॉट अलाउड अलाउड आगे पढ़े इनकर्ड ऑन एंटरटेनमेंट ऑफ कस्टमर्स एट

और फॉरेन कस्टमर भी आ सकते हैं और फॉरेन सप्लायर भी आ सकते हैं आया कहां हुआ है पत्तों में पाकिस्तान में क्लियर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान अच्छा कई दफा ऐसा होता है वो लोग नहीं आ रहे होते तो आप जॉन को कहते हैं ओ जॉन आई एम कमिंग और आप अगले दिन उधर होते हैं तो जो जे ओ एच एन अच्छा तो इनकर्ड आउटसाइडे जी हम लोग आउटसाइड पाकिस्तान आप लारा से मिलने बाहर के मुल्क चले गए इनकट आउटसाइड पाकिस्तान ऑन फॉर और वो इतने कंजूज कि उन्होंने कहा चले आप हमें दावत दें तो आप उनको लेके चले गए बाहर के होटल में दावत देने तो आपने वहां पे खर्चा किया बिचारों ने इनकट आउटसाइड पाकिस्तान ऑन ऑन और फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन अगली बात नहीं यार ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपने बार बार नहीं पूछनी एक ही दफा मैं बता रहा हूँ और वो काफी है बस इससे ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है और वेयर एक्सपेंडिचर इज एलोकेटेड एज हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर तो कई दफा ऐसा होता है कोक का हेड ऑफिस बाहर के मुल्क है तो कोक ना बहुत बड़ा कोई इंटरटेनमेंट का इवेंट करता है तो वो जो इतना बड़ा इंटरटेनमेंट का इवेंट होता है ना तो पाकिस्तान को कहता है थोड़े से पैसे तुम इसमें डालो बांग्लादेश को कहते हैं थोड़े से पैसे तुम डालो अफगानिस्तान वालों को कहते हैं थोड़े से पैसे तुम डालो इसी तरह पूरे दुनिया के मुल्कों से थोड़े थोड़े पैसे लेके अपनी ब्रांचेस से कोक की तो अपनी ब्रांचेज से पैसे लेके डलवा देते हैं तो अब बता दें ये खर्चा करता कौन है और ट्रांसफर किस पे कर देता है हेड ऑफिस ये खर्चा करेगा और ट्रांसफर किस पे कर देगा जैसे घर में शादी हो रही है, 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 है वो भी पैसे डाल रही है बेटा भी पैसे डाल रहा है कोई बहन नौकरी करी है वो भी पैसे डाल रही है तो इसी तरह खर्चा हेड ऑफिस कर रहे है और ब्रांचेस मिलकर उसको कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है तो ये ब्रांचेस के लिए नॉर्मल खर्चा कोई मसला नहीं लफ्स पढ़ लें जरा भूल ना जाए एलोकेटेड एज किया किसने खर्चा हेड ऑफिस ने बाद में एलोकेट करके तकसीम करके तोड़ के थोड़ा सा हिस्सा हमें भरने को कह दिया तो हमारे लिए वो नॉर्मल खर्चा है ब्रांच के लिए अच्छा बस ये सादा सी बातें थी आप एक दो तीन मिनट घर में लगाएंगे याद हो जाएंगे खर्चा इज इनकर्ड ऑन इनक रिलेटेड डायरेक्टली टू जाहिर बात है ऐसा तो ना ओनर अपने आ, घर का फंक्शन बिजनेस में लाके कर रहा हो ये खर्चा सिर्फ कब कबला होगा जब किन लोगों पर खर्चा किया जाए किन लोगों पर खर्चा किया जाए रिलेटेड डायरेक्टली टू बिजनेस नेक्स्ट इन दिस रूल एंटरटेनमेंट कहते हैं आपको क्या पता है इंटरटेनमेंट का क्या मतलब है और आपने वैसे ही छह साल के लिए तोबा कर ली हुई से इन दिस रूल एंटरटेनमेंट मीस खाना खाना खिलाना चाय बोतल पानी रिफ्रेशमेंट एंड रीजनेबल रहने की सहूलत देना जारी बात है बाहर के से आया होगा तो उसे रीजनेबल रहने की सहूलत तो दोगे ना ये तो नहीं क्योंकि चादर ले लो फुटपाथ है बाहर अच्छा जरूरत पड़ी तकिया भी ले लेना एंड रीजनेबल रीजनेबल फैसिलिटीज इन अकॉर्डेंस विद द विद्रेडिशन एंड नॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान पाकिस्तान की ट्रेडिशन और नॉर्म्स को सामने रखते हुए एक मुनासिब आपने उसको सर्विस देनी है जिसे वो खुश होकर <coughs> तो दे अच्छा अगला बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है और बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है कि आपने बड़े गौर से सुना है ये क्या लिखा हुआ है प्रोविडेंट फंड फंड और ये जो बास्केट्स होती है। <StadiumStopiffs> हैं ये ने किसके लिए बनाई होती हैं एम्प्लॉय के लिए बातें एम्प्लॉय के लिए क्या थी उसे पेंशन मिल रही होती थी रिटायरमेंट के टाइम उसे प्रोविडेंट फंड के पैसे मिल रहे होते थे तो सैलरी के चैप्टर में एम्प्लॉय के लिए क्या थी और बिजनेस के चैप्टर में एम्प्लॉय के लिए क्या है खर्चा बिजनेस के चैप्टर में एम्प्लॉयर के लिए क्या है ये आगे। खर्चा आगे। और एम्प्लॉय सैलरी के चैप्टर में एम्प्लॉय के लिए क्या थी तो प्रोविडेंट फंड आपको पता है रिकेग्नाइज भी हमने पढ़ा था और गवर्नमेंट वाले का इसने जिक्र नहीं किया यहाँ छोड़े वो रिकग्नाइज भी पढ़ा था और आन, भी था। ओके। पढ़ने, पूरा पढ़ें जरा ये बात आ रही जरा कान लगा के सुनो रिकॉर्डिंग में आ रही है बंद बंद कर कर दें, कर दें। यहां तो मेक सेंस, देवारे 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 बोले, बोले, बोले। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोविडेंट फंड के पैसे देने हैं और एम्प्लॉयर ने इस अरेंजमेंट को कमिश्नर से प्रूव रिकॉग्नाइज करा लिया हुआ है, तो लॉ मेकर को सखावत शो करके कहना चाहिए क्योंकि तुमने इनको रिकगनाइज करा लिया इसलिए खर्चा माइनस करने की इजाज़त होनी चाहिए लेकिन यहाँ अजीब सा लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है खर्चा माइनस नहीं हो सकता और यहाँ तो चले बात समझ आ रही है कि हुकूमत ने कहा था इन फंड्स वगैरह को रिकेगनाइज कराया करो कमिश्नर से हमने रिकेगनाइज नहीं कराया उसका नुकसान एम्प्लॉई को मेरे ख्याल से ये हुआ था कि अनरिकग्नाइज से उसे जब ग्रेचुटी मिली थी तो लोअर ऑफ सेवेंटी फाइव थाउजेंड और फिफ्टी परसेंट ऑफ अमाउंट रिसीव माइनस हुई थी तो बड़ा थोड़ा बेनिफिट हमने उसे दिया था बहरहाल छोटी बहुत तो सैली के चैप्टर की, की बातें थी कौन सा अच्छा इंप्लायर लग रहा है आपको जो फंड को रिकग्नाइज करा ले या अनरिकग्नाइज रखे बोले हैं जो अनरिकग्नाइज रखे वो बुरा इम्प्लॉयर लग रहे हैं और जो रिकग्नाइज रखे वो अच्छा एम्प्लॉयर लग रहा है लेकिन लॉ मेकर दोनों पे एक ही तीर चला रहा है और क्या कह रहे हैं दोनों को खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है लेकिन ये जो पहला वाला है ना इसको थोड़ी इसने रिलैक्सेशन दी पहले वाले को थोड़ी रिलैक्सेशन दी इसने कहा यार तुम्हें खर्चा माइनस करने दूंगा एक कंडीशन पूरी कर दो तुम्हें खर्चा माइनस करने दूंगा एक कंडीशन पूरी कर दो हमने कहा कंडीशन क्या है यार डिडक्शन बट एक्सपेंस का मतलब डिडक्शन ही है ना एक्सपेंस का मतलब क्या है भाई डिडक्शन आप ये ना कहीं कोई नया लॉस डाल दिया मैंने डिडक्शन नॉट अलाउड बट बट डिडक्शन इज इफ इफेक्टिव अरेजमेंट्स आर मेड फॉर टैक्स डिडक्शन इफ इफेक्टिव अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर अच्छा पहले जरा बात करते हैं इफेक्टिव अरेजमेंट क्या होते हैं आपने अबू को सुबह सुबह उठाया अबू आपको याद होगा आज भाई की शादी है अबू ने कहा हाँ मैंने तेरे पे डाला हुआ था काम तो मुझे तो बस ठीक है चलो मैं चला जाऊंगा तैयार होकर इंशाल्लाह सूट देखो मेरा पड़ा हुआ है ये बो आपका सूट पड़ा हुआ है वो आप टेंशन ना लें अबू आज भाई की शादी पर जाने आपने हमारे साथ तो बेटा हाँ तेरे पे डाला हुआ था सारा अब अबू अब जरा दोपहर को आपसे पूछ सकते हैं बेटा इफेक्टिव अरेंजमेंट दिखाओ जरा इफेक्टिव अरेंजमेंट्स तो अब आप क्या करेंगे जारी बात है आप किसी पार्क में ले जाएंगे कहाँ पार्क बोलो ट्राई करो पार्क पार्क आप किसी पार्क में ले जाएंगे पार्क में लाइए अबू ये टेंट देखने लग रहे हैं वो देखें अब कुर्सियों के ढेर लगे पड़े हैं वो देखें अबो देखें आ गई हैं अभी थोड़ी देर में चिकन पहुँच रहे यहाँ पे मुर्गियां खुद आएंगी यहाँ पे इंशाल्लाह मेरा प्लान टैन से बन चुका हुआ है तो ये क्या आप बुक को शो कर रहे हैं नहीं नहीं अपनी हकीकत नहीं इफेक्टिव अरेंजमेंट्स ये क्या बुक को शो कर रहे हैं आप इफेक्टिव अरेंजमेंट्स अच्छा अब हमने किन को इफेक्टिव अरेंजमेंट शो करने हैं एफ बी आर को अब हमने किन को इफेक्टिव अरेंजमेंट शो करने हैं एफ बी आर को एफ बी आर वाले आएंगे और आके कहेंगे इस फंड को आपने क्या कराया हुआ है रिकग्नाइज या अप्रूव कराया हुआ है

पेज नंबर वन जीरो टू के ऊपर आप अप्रूवल करा रहे हैं बोर्ड से तो तीन लाख तक माफ है ऊपर टैक्स देना पड़ेगा मैंने आपको एक मिसाल दे दी जहां चीजें अप्रूव करा लें फिर भी टैक्स देना पड़ता है क्लियर आप फर्ज कर लें यही सिनेरियो है यही सिनेरियो है तो इस सिनेरियो के अंदर एम्प्लॉय को अगर रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने हैं सात लाख एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे कितने मिलने हैं उनमें से कितने पैसे जो है वो माफ हो जाएंगे तीन लाख उसमें से कितने पैसे माफ हो जाएंगे तीन लाख और टैक्सेबल कितने होंगे चार लाख इन चार लाख पे टैक्स कब कटेगा ओ भाई उधर क्यों देख रहा है यार इन चार लाख पे टैक्स कब कटेगा जब एम्प्लॉई रिटायर हो रहा होगा जी बिल्कुल इस चार लाख पे टैक्स कब कटेगा जब एम्प्लॉई रिटायर हो रहा होगा तो रिटायरमेंट से पहले शाम को शादी थी आपने दोपहर को वाले साहब को साबित किया था कि मैंने अरेंजमेंट किए हुए हैं तो रिटायरमेंट से दो चार साल छह साल पहले जब आप उसके लिए पैसे अलग करके बास्केट में रखी जा रहे थे तब आपको हुकूमत को साबित करना पड़ेगा मैंने अरेंजमेंट किए हैं कि मैं इसका टैक्स काटूंगा अब हुकूमत कहेगी कैसे अरेंजमेंट किए मैं उसका तरीका ये होगा कि आप लेके जाएंगे और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक चार्लेड अकाउंटेंट बैठा होगा उससे मिलवा देंगे या हुकूमत को कहेंगे यार ये फलां बंदा है टैक्स निकालना आता है ये हमारे पैनल के ऊपर मौजूद है हम इसे फ़ोन करके टैक्स निकलवा लेते हैं और हुकूमत आपको याद है पिछले साल वो रशीद नौकरी छोड़ के गया था हाँ हाँ वो आप ही का एम्प्लॉई था तो हुकूमत उसका भी टैक्स आपको याद है हमने काट के आपको जमा करवाया था हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसका भी जो टैक्स बनता था ग्रेचुटी के ऊपर जो अप्रूव कराई थी ब्यासा आपने हमें टैक्स काट के जमा करवाया था तो हुकूमत ये हमारे अरेंजमेंट है अब आप इन अरेंजमेंट से मुतमिन हो गए हुकूमत ने कहा हाँ अब हमें लगता है कि आप जो है वो अक्लमंद होशियार हो आप टैक्स काटा करोगे एम्प्लॉज़ का अगर ये सारा आप हुकूमत को साबित कर दें तो जो पैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए इस मद में अलग करके रख रहा है बास्केट्स में आने वाले दिनों में मैं बताऊंगा इनकी भी एम्प्लॉयर ना बास्केट्स बना के रखता है ये मैंने बात आपसे नहीं की थी मैंने सिर्फ बास्केट की बात इधर की थी एम्प्लॉयर जिनकी भी बास्केट बना के रखता है क्योंकि एम्प्लॉयर को पता होता है रिटायरमेंट के टाइम पर इतनेवी पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा तो थोड़े थोड़े करके ना एम्प्लॉयर पैसे इन बास्केट्स में डालता रहता है एम्प्लॉय के लिए हर साल अच्छा तो अब बात क्या चल रही थी एम्प्लॉयर ने फंड जाके रिकोगनाइज करवा लिया हुकूमत से एफ बी आर से कमिश्नर से जिस मर्जी से वक्त आया रिटायरमेंट का रिटायरमेंट के वक्त एम्प्लॉय का टैक्स कट गया या कटेगा शादी हो गई या शाम को होगी होगी अरेंजमेंट पहले दिखाने पड़ेंगे या स्पॉट पे दिखाने पड़ेंगे पहले दिखाने पड़ेंगे रिटायरमेंट के टाइम पे टैक्स रिटायरमेंट के टाइम पे ग्रेचुटी मिलेगी या मिल गई मिलेगी मिलेगी रिटायरमेंट के टाइम पे टैक्स काटेंगे या अभी टैक्स काटेंगे

बोले इधर भी खर्चा नॉट अलाउड है लेकिन अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट हमें दिखा दो तो हम खर्चा क्या करने देंगे no. माइनस करने देंगे एक मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा नोट करने ये पॉइंट ई e और एफ है पेज नंबर कौन से पॉइंट ट्वेंटी नाइन अलाउड इफ इफेक्टिव अरे बोल्ड किया बस आप भी बोल, भी बोल रहे okay. ओ, ना ज्यादा भी ना, 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 ना बोलूंग एंड पे मैं दिखा दूंगा फिर ओहो सैलरी के चैप्टर पर दिल लगा हुए मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ें जी यार ऊपर से मिला के पढ़ें देखें सारे ऊपर से आए हुए हैं ना ऊपर से मिला के पढ़ें पेज वन ट्वेंटी सेवन Following well, ये खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है एनी कॉन्ट्रीब्यूशन उसे पैसे दे दिए उसके लिए अलग रखे जा रहे हैं ताँग 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 अलग रखे जा रहे हैं ये बात तो आपसे की थी पहले भी उसके लिए पैसे अलग रखे जा रहे हैं किसने अलग रखे हैं मेड बाय बिजनेस मैन किसने पैसे अलग रखे हैं उसके लिए पर्सन से एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय बिजनेसमैन टू अ बा एक बास्ट बनाकर रखी हुई है उसमें एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है लेकिन ये बास्केट क्या है ट अ रिकेगनाइज प्रोविडेंट फंड नॉट अप्रूवन फंड्रूव होते नॉट अ आ गई बात तो अगर अन है तो तो सिरे से ऊपर से मिला के पड़े फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड और फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड की कैटेगरी में इसने को भी डाल दिया कैसे कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट यार एनी से यहां मुराद ना लोग कहते हैं रिकेगनाइज है, है। वजह ऊपर वाली बात किसके लिए है अनरिकग्नाइज uh, के लिए तो so, फिर नीचे वाली बात किसके लिए के लिए तो रिक्नाइज प्रोविडेंट फंड भी क्या बन गया नॉट अलाउड इतनी सी बात पढ़ के ऊपर से मिला के पढ़ी फॉलोइंग डिडक्शन बनी जानी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी रिकग्नाइज फंड एनी कंट्रीब्यूशन टू एनी एस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ इफ द एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड अरेजमेंट और अगर कर ले तो अलाउड है लेकिन अगर अरेंजमेंट ना करें अगर अरेंजमेंट ना करे अगर 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 तो फिर तो जुतियां पड़ेंगी बेटे को शाम को तो कहां से संभालेगा सारा कुछ मैंने कहा था मुझे करने थे तो इफ बिजनेस मैन हैज नॉट मेड अरेजमेंट्स अच्छा अरेंजमेंट किस चीज के होते हैं जरा ये फिक्र पढ़ने आपने टू सिक्योर डेट टैक्स विल, विल बी डिडक्टेड फंक्शन विल बील्ड इन इवनिंग टैक्स विल बी डिडक्टेड कब 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 फ्रॉम एनी पेमेंट मेड बाय द फंड ऑन रिटायरमेंट फंड से पैसे कब जाएंगे दोबारा पढ़ना चाह रहा हूं आपके सामने ताकि याद करना आपने घर जाके फॉलोइंग डिडक्शन विल नॉट बी अलाउड क्या जी कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिक्नाइज प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रॉविडेंट और अदर सारे आगे इसमें फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिक्नाइज प्रॉविट एंड अदर फंड

I'm okay, going to peek at the other.